हमारे बस स्टैंड पुलिस चौकी क्षेत्र में बस स्टैंड से लगा हुआ एक माध्यमिक शाला स्कूल है, उसमें जो है प्रधानाध्यापक जो है श्रीमती ज्योति बर्मन मैडम है, और स्कूल में दो शिक्षक और हैं जिनका नाम जो है एक शुक्ला जी हैं और एक और कविता जैन मैडम है। इनके बीच में थोड़ा सा आपसी में जो भी तालमेल में गड़बड़ी है, इसकी वजह से आए दिन जो है विवाद होता रहता है। बच्चों को आधे आधे दोनों तरफ से बच्चे बांट लिए गए हैं, उसमें एक अपने पूर्व शिक्षक पालक संघ अध्यक्ष जो है केशव अहिरवार हैं वो, प्लस जो है ये मैडम प्रधानाध्यापक, इनके बीच में जो है विवाद होता रहता है। आए दिन कोई ना कोई शिकायत दे के एक दूसरे के विरुद्ध में आते हैं, जिसको हम लोगों ने कई बार समझाई दी और कि भाई ये शिक्षा विभाग से संबंधित मामला है, इसको कलेक्टर साहब पास या जिला शिक्षा अधिकारी पास SDM साहब के पास जाके इसको शिकायत कर। आज इनके बीच में विवाद हुआ था, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत देने के लिए कहे, लेकिन अभी तक हमारे पास शिकायत नहीं आई और पुलिस ने जो है दोनों पक्षों का भी शांत करा दिया है, और शिकायत देने के बाद जांच करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वो की जाएगी। मारपीट के मामले के में अभी के संबंध में कोई भी ऐसे एविडेंस हमारे पास नहीं आए हैं कि मारपीट हुई है या नहीं हुई है, यदि मारपीट हुई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आज इनके नाना रहते हैं गेट पे काम करते हैं, तो वो है ना फोन लगवाए हैं कि बच्ची इनको बहुत परेशान करी, ताला लगा के बंद करी हैं, तो आप लोग आ जाओ। तो हम लोग गए तो ताला नहीं खोल रही थी मेरी बच्ची, इनके कह रही थी पथरा पटकूंगी और तुम लोग को मारूंगी, तो हम लोग गए तो नहीं खोल रही, तो पूरे लड़का बच्चा इनका दौड़ा के हम लोग इनका मम्मी का झोंटा पकड़ के इनको ढकेल दे तो गिर गई मातरा, तो हमने भी मैडम को ऐसे हाथ पकड़ा तो मेरे को एक धक्का मारी तो मैं भी गिरी, और भी लड़का बच्चा है ना झाड़ू उठा उठा के हम लोग के मारे हुए दौड़े हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोगों ने मैडम को ऐसी बाल पकड़े तो वो मैडम भी वहाँ गिर गई, फिर हम लोग भागे आ रहे हैं। बोले आप लोग के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भी मारा? हम लोग ने सब नहीं मारा है, पूरे एक को नहीं हो, दोनों हम लोग एक को नहीं है, सब बच्चे 200 बच्चे हैं, सिर्फ 50 बच्चे इस लड़कियाँ को अंदर घुसेड़ के मारवे के, तो इसको खींचा तो हम मम्मी गिरबड़ इसके ऊपर इसको बंद करके कह रही थी इसको मारेंगे, इतनी बात है। रजनी हरवार सर तो ताला लगा रहे हैं, तब वो बोली कि खोलो ताला, तो मैडम बोली ना खोलेंगे, जी बच्ची भी अंदर रही ना खोलेंगे, वीडियो बनाते रहे बोले, तो मैंने कि का होगा भाई काहे बंद करें लड़कियां को, ताला लगाए अंदर से निकलन नहीं दे रही है, तो बोली क्या तो अभी नहीं खोलेंगे, कौन आ जाएंगे किसके माँ बाप जब खोलेंगे, तो जे भड़बड़ा जब इसने ताला वो वीडियो ले रही थी मैडम वीडियो, तो इन्हें लड़कियां को ना एक लड़के ने मार दो हाथ तो वीडियो गिर गया, वो गिर गया जी का इसे लड़कियों के कैसे इन्हें निकरान नहीं देता ताला बंद। आपको कैसे जानकारी मिली? फोन गा रहा हूँ। किसने फोन किया था? आपको अब फोन है? नहीं। फिर कैसे फोन किया? सुषमा मैडम को छोड़ा तो फोन करो। अच्छा क्या बोला? क्या हुआ था सर? वो ना आके सबको मम्मी गांगड़ वाली ना सब फोन दे दी थी, फोन लगाई थी ना, फोन लगा के ना सब बुला ली थी, सबको बुला के वो ताला तोड़ के ना मैम जी को मरवाई, हमको भी। ये कौन लोगों ने मिलके मारा है? किस बात को लेकर मारपीट चालू हुई है? सर तो वो उसके पीछे थोड़ा सा वो जो मैम जी हम लोग लंच कर रहे थे तो उसी के पीछे ना लड़ाई थोड़ी थोड़ा बढ़ती गई, और फिर ना एकदम से बढ़ के हम लोग को मारपीटने लगी थी। तो मैडम को भी मारा गया? यस मैम, मैम को ना गिरा के और झाड़ू भी मारी, और जो तरह किसने मारा झाड़ू? ये मैम उनकी ना सरिता जी की मम्मी और हाँ। उनकी दादी लोग मारी है, जो तरह पकड़ के और झाड़ू उसकी मम्मी मारी है। सुषमा मैम ने झाड़ू निकाल के रख दी थी मारने के लिए, और सुषमा मैम ना भाग गई यहाँ से ताला लगा
जाके। सुषमा मैडम क्या करती हैं यहाँ पर स्कूल में? आंगनवाड़ी में काम करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सोनम नायक।